our next topic is construction of an analytic function, and we construct analytic function by Milne-Thompson method. Okay, so यहाँ पे आपको analytic function जो बनाना है और कैसे construct करना है वो Milne-Thompson method से construct कर सकते हैं. आपको कोई भी यहाँ पे function given होगा, function क्या function की real part या imaginary part given होंगे. Okay, तो जो भी part आपको given होगा आपको उससे क्या बनाना है, एफ जेड की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है. ठीक है, तो Milne-Thompson मेथड में अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेते हैं अगर हमें क्या गिवन है, यू रियल पार्ट अगर आपको गिवन है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसके लिए अलग मेथड है, और वी अगर आपको इमेजिनरी पार्ट गिवन है तो उसके लिए भी क्या है, अलग फॉर्मूला है. ठीक है, यू अगर आपको गिवन है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड करेंगे, और इसको किसके इक्वल रख देंगे, फाइव वन जेड जीरो के. ठीक है, फाइव वन जेड जीरो इज़ अनदर फंक्शन वेयर वाई इज़ ज़ीरो एंड एक्स इज़ जेड. फिर क्या हमें फाइंड करना है, डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड करना है विच इज़ फाइव टू जेड जीरो. उसके बाद हमें क्या करना है, फंक्शन एफ जेड मानना है. एफ जेड क्या होगा, इंटीग्रल फाइव वन जेड जीरो माइनस आई फाइव टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी. ठीक है, सो लास्ट स्टेप हमारी ये है, बस आपको ये करना है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके फाइव वन जेड जीरो लेना है, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके फाइव टू जेड जीरो, और उसके बाद जो फंक्शन आएगा वो फाइव वन जेड जीरो माइनस आई फाइव टू जेड जीरो डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट होगा. इसके बाद आप जो इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें फंक्शन मिलेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, एनालिटिक फंक्शन मिल जाएगा. इसी तरह से अगर आपको वी गिवन है इमेजिनरी पार्ट, तो हम क्या करेंगे, इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, बट यहाँ पे हमें ध्यान देना है वी जब गिवन है तो फाइव टू जेड जीरो लेंगे. ठीक है, मीन्स टू सेकेंड पार्ट पहले आएगा फाइव टू जेड जीरो, उसके बाद जब वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको फाइव वन जेड जीरो के इक्वल लेना है, और जो फंक्शन बनेगा वो होगा इंटीग्रल फाइव वन जेड जीरो प्लस आई फाइव टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी. ठीक है, यहाँ हमें फाइव वन जेड जीरो लेना है और पॉजिटिव साइन यहाँ पे होगा, और जब आपको यू गिवन होता है तो यहाँ निगेटिव साइन लिया जाता है. ठीक है, अब इसमें बेस्ड एग्जांपल आपको मैं बता दूँ क्या है, फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी. ठीक है, एंड इट्स इमेजिनरी पार्ट थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब. हमें इमेजिनरी पार्ट गिवन है और क्या पूछ रहा है आपको कि फाइंड करना है एनालिटिक फंक्शन, मीन्स एफ जेड की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है. ठीक है, तो हम इसके लिए सेकेंड मेथड यूज करेंगे. वी हमें गिवन है माइनस वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब हमें गिवन है. इसके बाद हमें क्या करना है, डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. ये क्या होगा, सिक्स एक्स वाई. ठीक है, और इसको किसके इक्वल लेना हमें, फाइव टू जेड जीरो के. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है ना फाइव टू जेड जीरो, तो फाइव टू जेड जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हमें जेड लेनी है, वाई की वैल्यू ज़ीरो. सिक्स इंटू जेड इंटू ज़ीरो मीन्स ज़ीरो. ठीक है, यहाँ हमें फाइव टू जेड जीरो की वैल्यू ज़ीरो मिल रही है. फिर हमें क्या करना है, डेल वी अपॉन डेल वाई निकालना है. ये हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर. इसको हमें फाइव वन जेड जीरो के इक्वल लेना है. ये क्या होगा, थ्री जेड स्क्वायर, और वाई की वैल्यू ज़ीरो है तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी. ठीक है, ये हमें मिल गया, पहले हमें फाइव टू जेड जीरो मिला, फाइव वन जेड जीरो हमें क्या हो गया, मिल गया. अब हमें क्या बनाना है, एफ जेड. एफ जेड क्या हो गया, एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रल फाइव वन जेड जीरो. ठीक है, फाइव वन जेड जीरो प्लस आई फाइव टू जेड जीरो की वैल्यू यहाँ ज़ीरो है, डी जेड प्लस सी कर लेंगे. दिस इज थ्री जेड स्क्वायर इंटीग्रल डी जेड प्लस सी. हमारे पास यहाँ क्या हो गया, जेड क्यूब प्लस सी. ठीक है, एफ जेड की वैल्यू हमें क्या मिली, जेड क्यूब प्लस सी. तो ये हमारे पास क्या होगा, ये एक एनालिटिक फंक्शन हमें मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पे, इफ द रियल पार्ट ऑफ एफ जेड इज यू एक्स वाई इक्वल टू टू एक्स वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन वाई, और हमें क्या गिवन है, एंड एफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, देन द वैल्यू ऑफ एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज. आपको यहाँ पे रियल पार्ट गिवन है और एफ ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो दे रहा है,
तो हमें क्या करना है, एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, u कितना गिवन है हमें पहले लिख लेंगे, 2xy प्लस cos हाइपरबोलिक x इंटू sin y। हमें अब क्या करना है, इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो क्या था, 5 1 z0 किसको, पहले हमें u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डेल u बाई डेल x, इसकी वैल्यू आएगी 2y प्लस x के रिस्पेक्ट में sin हाइपरबोलिक x इंटू sin y, और इसको किसके इक्वल लेना था, 5 1 z0 के, तो 5 1 z0, z x के प्लेस पे हमें z लेना है और y के प्लेस पे 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई, प्लस साइन हाइपरबोलिक z लेंगे यहाँ पे, और y की वैल्यू में 0 के बना, तो साइन 0 की वैल्यू 0, मीन्स हमें 5 1 z0 क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ये क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 2x प्लस cos हाइपरबोलिक x इंटू cos y मिलेगा, इसको हमें 5 2 z0 की इक्वल लेना है, तो 5 2 z0 से यहाँ पे 2z मिल रहा है। ठीक है, और cos प्लस cos हाइपरबोलिक z, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये हमें मिल गया 5 2 z0। अब हमें फंक्शन क्या लेना है, fz इक्वल टू इंटीग्रल 5 1 z0 माइनस आई 5 2 z0 dz प्लस c। 5 1 की वैल्यू हमारे पास 0 है, माइनस आई 5 2 की वैल्यू 2z प्लस cos हाइपरबोलिक z प्लस c, माइनस आई कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा 2z प्लस cos हाइपरबोलिक z प्लस c। इंटीग्रेट करने पे हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी, 2 इंटू दिस इज z स्क्वायर बाई 2 प्लस cos हाइपरबोलिक होता है sin हाइपरबोलिक z प्लस c। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, z स्क्वायर प्लस sin हाइपरबोलिक z प्लस c। तो हमें बताना था इनमें से कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस आई z स्क्वायर प्लस sin हाइपरबोलिक z, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो रहा है, ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है, सी इज़ रॉन्ग एंड डी इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सो इस तरह से हम एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय मिलने थॉमसन मैथड। सो थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कनेक्टेड विथ अस। थैंक यू।